सभी को, मेरा नाम है अंकित शाह, मैं कक्षा 2 ओडिया पब्लिक स्कूल से हूँ। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हिंदी में नुक्ता जो चीज है वो क्या होती है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं और वैसे ही बहुत सारी चीजें। तो नुक्ता के ऊपर आपको एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर एक वर्ण के ऊपर नीचे नुक्ता नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ण है जो है क, ख, ख, ग, ज और फ। तो इन्हीं 5 वर्णों के ऊपर आप नुक्ता लगा सकते हैं, पर ये जो ज और फ और क, ख, ग है, तो क, ख, ग जो है उसके ऊपर जो नुक्ता लगाना है वो ऐच्छिक है, यानी उसके ऊपर हम लोग लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। पर जब हम लोग ज और फ के नीचे नुक्ता लगाते हैं तब उसके नीचे वो नुक्ता लगाना एकदम कंपलसरी है। अगर उसके ऊपर आप करेक्ट शब्द नहीं लगाए तो फिर वो पूरा शब्द गलत हो जाएगा, बस एक नुक्ता के लिए। अब जानते हैं कि जो हमने जो ज के नीचे और फ के नीचे नुक्ता लगाया उसका उच्चारण कैसे होगा, इनका उच्चारण होगा ज के नीचे जब नुक्ता लगाए तो होगा ज और जब फ के नीचे नुक्ता लगाए तो हुआ फ, फ। तो ये जो 2 वर्ण है और जो क, ख, ग के नीचे भी जब लगाते हैं आप नुक्ता तो जो वर्ण हो गया ना वो इसको कहा जाता है आगत व्यंजन। आगत का मतलब होता है बाहर से आया हुआ व्यंजन। तो जब मुगल फिर अंग्रेज लोग हमारे देश में थे तब उनसे हमने उर्दू, अंग्रेज जैसे बहुत सारे भाषाएं सीखे थे, तो उनको कभी कभी हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर देते उन शब्दों का। तो जब हम लोग उन शब्दों का हिंदी